स्मृति दिवस नहीं है आज, मनु स्मृति दहन दिवस है। देखिए मेरा ये मानना है कि बाबा साहब ने कुछ तात्कालिक परिस्थितियां थी जिनके कारण मनुस्मृति को जलाया, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो असमानता की बात कर रहे हैं। जिस समाज से बाबा साहब आ रहे हैं उनको इस देश के अंदर अछूत माना जा रहा है, तो तात्कालिक उनका जो रिएक्शन था वो सही था। लेकिन आज मुझे ये लगता है कि आज जब इक्वालिटी की बात, उसके बाद बाबा साहब ने संविधान लिखा मनुस्मृति जलाने के बाद, तो आज बहुत ज्यादा रिलेवेंसी नहीं रह गई है, क्योंकि हमारे बच्चों को हमें ये नहीं पढ़ाना है कि मनुस्मृति में क्या है, हमें मेरे बच्चों को ये पढ़ाना है अब कि संविधान में क्या है। क्योंकि जो निगेटिव ग्रंथ अगर है समाज के लिए तो उसकी चर्चा बंद कर दी जाए वो ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मनुस्मृति की चर्चा हमें बंद कर देनी चाहिए, बाबा साहब ने सिंबॉलिक तौर पर जला करके और इस देश को एक ऐसा दस्तावेज दिया जो पूरी कम्युनिटी, इस देश के हर जाति धर्म वर्ग जेंडर हर किसी के समानता की बात कर रहा है। तो वो 25 दिसंबर का दिन था जिस दिन बाबा साहब ने जलाया, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर लोग अभी भी उसको मना रहे हैं, तो लोगों की भावना है और बाबा साहब द्वारा वो काम किया गया तो निश्चित रूप से उसकी रिलेवेंसी है। देखिए जो इस देश के अंदर और पूरे विश्व की बात करें, किसी भी ग्रंथ को जो जिसमें बहुत सारी खामियां हैं अच्छा मान रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि किसी भी सार्वजनिक मंच पर आज उस ग्रंथ की चर्चा नहीं है, वो हिडन रूप से मान रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि रिलेवेंसी जो है मानवता की रहेगी, रिलेवेंसी इक्वालिटी की रहेगी। और इसीलिए किसी भी सार्वजनिक मंच पर मनुस्मृति की चर्चा कम, संविधान की चर्चा ज्यादा हो रही है। लेकिन जी आजकल कहा जा रहा है मनुस्मृति का राज आने वाला, उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है ना देश में। देखिए मुझे लगता है इस देश की बहुसंख्यक आबादी ऐसी है जो संविधान से शासित होती है, संविधान से चलती है, तो राज कौन लाने वाला है? तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि राज आने वाला है वो यूनाइट हो जाए, तो मुझे लगता है राज तो संविधान का ही चलेगा, ये संभव नहीं है। ये कहीं ना कहीं डर है आपको, क्योंकि वो डर, एक सेकंड, ये डर जो है वो किस लिए है? जब आप यूनाइट हैं, जब आपके प्रिंसिपल अच्छे हैं, जब संविधान में साफ साफ लिखा कि सभी बराबर हैं, डेमोक्रेसी को हमारे संविधान की मूल भावना है, भाईचारा संविधान की मूल भावना है, लोक कल्याणकारी राज्य के तहत इस देश के हर जाति धर्म वर्ग के नागरिकों को हम मेंटेन करेंगे, सरकार मेंटेन करेगी, चाहे उनकी फूड सिक्योरिटी हो, एजुकेशन सिक्योरिटी हो, या फिर उनकी चिकित्सा की व्यवस्थाएं हो, हर चीज़, तो हम उन पर हमें फोकस करना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। हम लोग इंडियन सिटीजन है, अगर कोई डीएम, एसडीएम, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या पॉलिटिशियन आपके फेवर में वर्क नहीं कर रहा, यूनाइट होकर के ऑनेस्टी से आप उसके समक्ष ये सवाल पैदा करिए। जी आप बताइए, संविधान लागू किया जा सके? आप इतने क्यों डरे हुए हैं भाई, कौन सा मनुस्मृति संविधान ने लागू किया? लिसन, देखिए हमारे देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो जरूरी है। अगर हमारे देश की पार्लियामेंट उस टाइम पीरियड में बनी जब हमारे देश की पॉपुलेशन भी कम थी, तो अगर कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जो कि एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, अगर वो ऐसा कोई करता है तो हम सब लोग किस लिए हैं? हमें बोलने का अधिकार है, हमें आंदोलन करने का अधिकार है, हमें कोर्ट मिली हुई है, कोर्ट में हम अपने रिप्रेजेंटेशन की बात करने लगे हैं। दमखम से यूनिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो कर रहे हैं पार्लियामेंट में बैठे वो बहुत लिमिटेड लोग हैं, इस देश की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और बहुसंख्यक पॉपुलेशन है, बहुजन आबादी है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब बहुत स्ट्रांग संविधान लिखे गए हैं, उसके साथ छेड़छाड़ की जाने की कोशिश की गई SC ST एक्ट में 2017-18 की बात है, 18 में बदलाव कर दिया ना, उसके बाद क्या हुआ देखा आप लोगों ने, एक आंदोलन पे पार्लियामेंट ने बदल दिया, तो आप लोग समझिए अपनी ताकत को। उस आंदोलन में 1.5-2 लाख लोग निकले होंगे, जिस दिन 10 लाख लोग भी अगर दिल्ली की सड़कों पर आ गए तो भाई बेफिक्र रहिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोगों के पास बाबा साहब द्वारा लिखा गया बहुत स्ट्रॉन्ग दस्तावेज है। अब देखिए क्या है ना, सत्ता का परिवर्तन होता रहता है, हम पीक पर भी गए और अभी हम डाउनफॉल में भी हैं।
भविष्य आने वाला जो है बीएसपी का है, क्योंकि हमारा मिशन स्ट्रांग है। नहीं, सभी की मैं बात कर रही हूँ। ये डाउनफॉल चलता रहता है, ये सत्ता का परिवर्तन है, होता रहता है। यूपी के निगम के इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें हम लोग अच्छी सीट निकालेंगे, ऐसी संभावना है। आगे फिर मध्य प्रदेश का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव है, तो ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, होती रहती हैं। जो कि आज अगर जो रूलिंग पार्टी है, उनके पास एक टाइम में सिर्फ 2 सीट थी, आज वो मेजॉरिटी में है पिछले 7 साल से। तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि हाँ, लेकिन अपने अंदर हमें ये कहाँ कमियां हैं कि हम क्यों नहीं आ रहे, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। जैसा अभी आपने कहा कि बहुजन संविधान स्ट्रांग है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को डराया जाता है कि मनोविधान लागू होने वाला, तो सिंपल शब्दों में, क्योंकि लोग बहुजन समाज जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, समझ नहीं पाता है, वो डर जाता है। तो आप उनको सिंपल शब्दों में, 4 शब्दों में क्या समझाना चाहेंगे? चार शब्दों में नहीं, 1 शब्द में कहूँगी। इस देश में जब सबसे ज़्यादा अनटचेबिलिटी का दौर चल रहा था, तो एक आपका मसीहा अकेले भिड़ गया, अकेले लड़ गया, कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो आज तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है अवियर, तो इसका मतलब है अपने अंदर झांक करके देखो, यूनाइट हो जाओ, एकजुट हो जाओ, ऑनेस्टी से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ लोग प्यार बांटने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, माफी चाहते हैं। इस बार देखिए, ये हम इस पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे, यहाँ पर इस मंच से भी, इस मंच से भी प्यार ही बांटा गया है। थैंक यू सो मच।